आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड मॉर्निंग। ये है 6 सितंबर का मॉर्निंग न्यूज पॉडकास्ट आज का दिन। मेरा नाम खुशबू कुमार है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के विरोध में आई याचिकाओं पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। क्या रहा 16 सुनवाइयों का लबालुआब और फैसला कब तक आने की उम्मीद है, यहाँ से करेंगे पॉडकास्ट की शुरुआत। कांग्रेस ने आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए एक राष्ट्रीय चुनाव समिति की घोषणा की है, लेकिन कुछ नाम गायब हैं और कुछ नए जुड़े भी हैं इसमें। तो कितनी बैलेंस नजर आती है समिति और खड़गे के लीडरशिप में क्या कुछ नया हुआ है इस बार, बात इस पर भी होगी। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन रूस दौरे पर जाएंगे, लेकिन बात इतनी नहीं है। युद्ध में इन्वॉल्व रूस को जरूरत भी है नॉर्थ कोरिया की, कैसे बताएंगे, और ये भी कि अमेरिका और पश्चिमी देशों को इस दौरे से क्यों चिंतित होना चाहिए। लेकिन उससे पहले 60 सेकंड्स हेडलाइन सुनते हैं शुभम तिवारी से। विपक्षी गठबंधन इंडिया की 24 पार्टियां संसद के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगी। सोनिया गांधी आज इस सिलसिले में लिखेंगी प्रधानमंत्री मोदी को पत्र, स्पेशल सेशन बुलाने का एजेंडा पूछेंगी। यूरोप के दौरे पर रवाना हुए राहुल गांधी वकील, छात्रों और प्रवासी भारतीयों से वहां करेंगे बात। पीएम मोदी 20वीं आसियान समिट में शामिल होने के लिए आज जाएंगे इंडोनेशिया। आसियान देशों से व्यापार और सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के लिए कांग्रेस की पहली सूची आज आने की संभावना। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज खंडवा में जन आशीर्वाद यात्रा में होंगे शामिल। वाराणसी में 3 मंजिला होटल में लगी भीषण आग, लॉन में खड़े लोगों ने बाउंड्री से कूदकर बचाई अपनी जान। और पाकिस्तान बांग्लादेश में एशिया कप का पहला सुपर 4 मैच आज, मुकाबला लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में पिछले महीने 2 अगस्त को एक सुनवाई शुरू हुई थी। ये सुनवाई थी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ दाखिल की गई 23 याचिकाओं पर। कोर्ट में 16 दिनों तक इस पर सुनवाई चली और कल इस पर फैसला सुरक्षित रखा गया। 5 जजों की बेंच इस मामले को सुन रही थी, जिसमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल हैं। इसी सुनवाई के दौरान केंद्र ने कोर्ट को बताया था कि जम्मू कश्मीर को 2 अलग यूनियन टेरिटरी यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटने का कदम टेम्पररी है। हालांकि सरकार ने ये भी साफ किया था कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ही रहेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर को जल्द फिर से राज्य बना दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान ये भी सवाल उठे कि धारा 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार नॉर्थ ईस्ट को मिले स्पेशल स्टेटस को खत्म करने की तैयारी में है, जिसके जवाब में सरकार ने साफ किया कि कुछ भी ऐसा नहीं होने जा रहा है। ऐसे में और क्या हाइलाइट्स रहे इन 16 सुनवाइयों की और किन किन मुद्दों पर सरकार ने कोर्ट को क्लैरिटी दी है, पूछा मैंने सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी खबरों पर नजर रखने वाली आज तक रेडियो रिपोर्टर अनिशा माथुर से। देखिए, 16 दिनों में कई कानूनी, पॉलिटिकल और सोशल मुद्दे जो हैं वो उन पर दलीलें हुई। उसने मेन जो संवैधानिक और कानूनी जो मुद्दे हैं वो इस बात पे केंद्रित रहे कि आर्टिकल 370 का आखिर संविधान में उसमें उसकी जगह क्या है, क्या वो एक टेम्पररी मेजर था, क्या उसको हटाया जा सकता था, और जिस तरह से उसको हटाया गया क्या वो सही था या गलत। दूसरी दलील याचिकाकर्ताओं की ये रही कि देखिए, अगर आपको 370 हटाना भी था तो जब कोई इलेक्टेड सरकार नहीं है, इलेक्टेड असेंबली नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों से बात नहीं की गई, तो जिस तरह से पार्लियामेंट में यानी संसद में प्रस्ताव पारित करके आर्टिकल 370 को हटा दिया वो सही नहीं था, क्योंकि भारत की संसद के पास ये हक नहीं है कि किसी राज्य से उसके राज्य का दर्जा छीन ले और उस राज्य को फिर यूनियन टेरिटरी बना दे। तो इसमें ये फेडरलिज्म और संविधान के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसका भी मुद्दा आया कि क्या केंद्र सरकार और केंद्र का संसद किसी राज्य से उसका राज्य होने का हक छीन सकता है, और खासतौर से तब जब उस राज्य की कोई असेंबली नहीं है, उस राज्य की कोई इलेक्टेड सरकार नहीं है, तो उस राज्य के लोगों की सुनी नहीं गई है। और उस पर हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से दलील ये आई कि देखिए, भारत का संसद जो है भारत के हर नागरिक का रिप्रेजेंटेटिव है और भारत के संसद के पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी जिसने संविधान बनाया उसकी सभी ताकतें जो हैं वो सब भारत की संसद के पास है, और इसलिए जो
कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हटाने का और आर्टिकल 370 को हटाने का और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पारित करने का सबका हक भारत की संसद के पास है, ये केंद्र सरकार की आर्ग्यूमेंट रही। और अनिशा, अब इस पर फैसला आना है, 16 दिन की सुनवाई चली है, तो क्या बातें होंगी जो कोर्ट के फैसले का आधार बनेंगी? आप मामले को देखिए, संवैधानिक मामला है ये, फेडरल स्ट्रक्चर का मामला है ये, राज्यों के हकों का मामला है ये, राज्यों की क्रिएशन और डिसोल्यूशन का मामला है, असेंबली के क्या हक हैं, पार्लियामेंट की क्या दायरे हैं, प्रेसिडेंट गवर्नर के पावर के क्या दायरे हैं, केंद्र और राज्य सरकार के बीच के जो रेखाएं हैं उनके क्या दायरे हैं, इन सबको कोर्ट को सोचना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें जो पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट हुई है, जो याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि देखिए कश्मीर, जम्मू कश्मीर की जनता के हक छीने गए उनसे बिना बात किए, और केंद्र सरकार ने कहा है कि देखिए देश की सुरक्षा का मामला है, बॉर्डर एरिया है, तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिनमें कोर्ट को सोचना पड़ेगा कि किस तरह से वो क्या किया जाए। अगर 370 को रिस्टोर कर देती है कोर्ट तब क्या होगा, किस तरह से सारा काम होगा। जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, दो यूनियन टेरिटरीज बना दी गई हैं, क्या उस डिसीजन को कोर्ट गलत ठहरा देती है अगर, तो फिर वहां की एडमिनिस्ट्रेशन पे वहां जिस तरह से काम हो रहा है उस पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि ये अगर आप देखें तो दो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है, एक तो 370 को लेकर, दूसरा जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लेकर, तो दोनों ही तरफ कोर्ट का क्या रवैया रहता है, कोर्ट क्या कहती है, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। क्योंकि बहुत ही पेचीदा पॉलिटिकल और सोशल मुद्दे निकलते हैं इस संवैधानिक सवाल से। तो अब उम्मीद ये की जा रही है कि क्योंकि जस्टिस संजय किशन कौल जो इस खंडपीठ में सीनियर जज हैं, वो दिसंबर के अंत की तरफ रिटायर होने वाले हैं, तो दिसंबर तक जजमेंट आने की पूरी उम्मीद लगाई जा रही है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया निशा। और अब अदालती गलियारे से राजनीतिक हलचलों की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की चुनाव समिति का ऐलान किया है। ये राष्ट्रीय समिति आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए है। खड़गे के अलावा इस समिति में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अंबिका सोनी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद, मधुसूदन मिस्त्री, एन उत्तम कुमार रेड्डी, टीएस सिंहदेव, केपीएल पूनिया, ओंकार मरकाम और केसी वेणुगोपाल शामिल हैं। ये समिति टिकट बंटवारे से लेकर चुनावों को लेकर पार्टी की और चुनावी जिम्मेदारियों को निभाएगी। दूसरी ओर एके एंटनी, एम वीरप्पा मोइली जैसे कई चेहरे ऐसे भी हैं जो इस लिस्ट से गायब हैं। ऐसे में कितनी बैलेंस नजर आती है समिति और कितना सरप्राइजिंग नजर आता है इस समिति के सदस्यों का चुनाव, पूछा मैंने आज तक रेडियो के लिए कांग्रेस से जुड़ी खबरों पर नजर रखने वाले राहुल गौतम से। कांग्रेस ने अपनी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का गठन कर दिया है। इसमें 16 सदस्य होंगे और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो नाम है वो है मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अंबिका सोनी जो कि बेहद करीबी हैं सोनिया गांधी की, वो भी इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा कई नई चेहरों को जगह दी गई है। सलमान खुर्शीद अब इस कमेटी का हिस्सा होंगे। केजे जॉर्ज जो कि हाल में ही पावर मिनिस्टर बने हैं कर्नाटका के अंदर, उनको भी जगह दी गई है। पीएल पूनिया होंगे और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कई लोगों को जो नाम है वो ड्रॉप कर दिया गया है। जैसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इसके पहले हिस्सा थे, वो अब इस कमेटी में नहीं है। पूर्व कर्नाटका के मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली इस कमेटी में अब शामिल नहीं है। इसके अलावा कहा जा रहा था कि जनार्दन द्विवेदी को वापस रिटेन किया जा सकता है, जो कि पहले संगठन महासचिव थे, उनको भी नहीं रखा गया है इस कमेटी के अंदर। तो इन तमाम चेहरों को ड्रॉप किया गया है और कई नए चेहरों को लाया गया है। सलमान खुर्शीद पूर्व कानून मंत्री हैं, उनको लाया गया है। मोहम्मद जावेद जो कि एकमात्र एमपी हैं कांग्रेस पार्टी के बिहार से, उनको लाया गया है। तो कुल मिलाकर इसमें ऐसे लोगों को तरजीह दी गई है जो कि चुनावों को की जो नब्ज है उसको समझते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमेटी ही सबसे महत्वपूर्ण कमेटी होती है। इसको 2024 के चुनावों को ध्यान में रख के बनाया गया है और आप ये मान के चलिए कि चुनावों से जुड़े हुए तमाम जो फैसले हैं वो इसी कमेटी के थ्रू किए जाएंगे। राहुल, आपने एक दो नामों के बारे में बताया जो इस कमेटी में अब नहीं है, लेकिन वो कौन से नाम हो सकते थे जिनके इस समिति का हिस्सा होने की उम्मीद की जा रही थी लेकिन वो इसका हिस्सा नहीं है अब, और क्या इसके पीछे कोई खास रणनीति दिखती है?
देखिए इस लिस्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो आप कह सकते हैं जिसको लेके बहुत ज्यादा चर्चा थी वो था प्रियंका गांधी का, कि प्रियंका गांधी या रणदीप सिंह सुरजेवाला, ये दो लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि इस कमेटी को या तो हेड करें या कम से कम इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। उन दोनों का नाम इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा कई ऐसे लोग जिनको CWC में जगह नहीं मिली, चाहे वो प्रमोद तिवारी हो, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, नितिन राउत हो, नीता रंजन हो, और भी बहुत सारे लोग जिनको CWC में जगह नहीं मिली, पवन बंसल हैं, तो कहा जा रहा था कि शायद उनको इसमें जगह मिल सकती है, लेकिन उनको एकोमोडेट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। पार्टी ने केवल और केवल विनेबिलिटी फैक्टर को ध्यान में रखा है और मात्र आप कह सकते हैं कि उन लोगों को जगह दी है जो कि चुनावी दाव पे समझते हैं, उन राज्यों से आते हैं जहां से कांग्रेस पार्टी को बेहद ज्यादा उम्मीदें हैं, और इसीलिए काफी बैलेंस्ड आप ये कह सकते हैं कि ये जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी यानी CAC है उसको बहुत बैलेंस तरीके से बनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल गौतम हमसे बातचीत करने के लिए। नॉर्थ कोरिया के मुखिया हैं किम जोंग उन, अपने देश में इनको कमांडर इन चीफ कहते हैं, एक वर्ग इन्हें तानाशाह भी कहता है। कल खबर आई कि किम रूस दौरे पर जा रहे हैं, इसी महीने के अंत तक उनका ये दौरा होना है। नॉर्थ कोरिया का कमांडर इन चीफ बनने के बाद इन्होंने दो देशों के दौरे किए हैं, साल 2018 और 2019 में चीन और रूस की। और खास बात ये है कि दूरी चाहे हजारों किलोमीटर की हो, किम केवल ट्रेन से ही यात्रा करते हैं। कहा जाता है कि सुरक्षा कारणों से किम ऐसा करते हैं। यूक्रेन में युद्ध छेड़े हुए रूस को आम सप्लाई के लिए नॉर्थ कोरिया जैसे देशों की जरूरत है, ऐसा रिपोर्ट्स कह रही हैं, और ये भी कि किम का ये दौरा भी उसी बारे में है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ाते हैं प्रोफेसर राजन कुमार, हमने उन्हें फ़ोन मिलाया और पूछा कि किम जोंग उन के इस दौरे की अहमियत क्या है रूस और नॉर्थ कोरिया के लिए। जी, जो रूस के लिए अभी कोई भी कंट्री महत्वपूर्ण हो जा रहा है, क्योंकि रूस अभी वर्ल्ड में ज्यादातर देशों से आप जान रहे हैं कि सैंक्शन के कारण आइसोलेटेड है, और वैसे में जो रूस करने की कोशिश कर रहा है कि चीन के साथ मिलके जो ईस्ट एशिया में जो देश है उसमें किन किन देशों के साथ उनका अलायंस संभव है, तो बहुत सारे देश वहां पे है नहीं, लेकिन नॉर्थ कोरिया से चूंकि अमेरिका का रिलेशन बहुत ही खराब है और नॉर्थ कोरिया से चीन का रिलेशन बहुत अच्छा है, तो चीन और नॉर्थ कोरिया को लेके एक ट्राइलेटरल अलायंस भी बनाने की कोशिश कर रहा है, और उसमें फायदे रूस को ये अभी तो रूस को फायदा यह है कि रूस को अभी यूक्रेन युद्ध में बहुत सारे वेपन्स की जरूरत है, और कुछ चूंकि कोई दूसरा देश चीन भी उस ढंग से ओपनली नहीं कर पा रहा, तो रूस नॉर्थ कोरिया से मदद ले सकता है। नॉर्थ कोरिया में तो पुराना सैंक्शन चल रहा है काफी दिनों से, तो वहां से वेपन्स ले सकता है, वहां से टेक्नोलॉजी ले सकता है, और उस पर फिर कोई रोक टोक भी नहीं होगी उसको। और दूसरा कि एक प्रेशर बनाने के लिए चीन और नॉर्थ कोरिया और रशिया तीनों वहां पे नेवल एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे जापान पे भी दबाव बनेगा, अमेरिकन जो फ्लीट है वहां जाती है वहां पे इंडो पैसिफिक में, तो उस पे भी दबाव बनेगा, तो वो रूस करने की कोशिश कर रहा है। बदले में रूस नॉर्थ कोरिया को सबमरीन दे सकता है, वेपन्स दे सकता है, और चूंकि सैंक्शन है तो वहां पे तेल भी, ऑयल और पेट्रोलियम ये सब प्रोडक्ट्स दे सकता है, और बहुत सारे जो सैंक्शन प्रोडक्ट्स हैं जो कि दूसरे देशों से नॉर्थ कोरिया को नहीं मिल पा रहा वो सारी चीजें रूस भी दे सकता है, तो ये एक तरह से दोनों देशों के लिए बिल्कुल एक फायदे का सौदा है, और यही रूस अभी नॉर्थ कोरिया के साथ करने की कोशिश कर रहा है। दोनों देश आइसोलेटेड है, तो आप देखेंगे रूस उन देशों से जहां पे कि पश्चिमी देशों का सैंक्शन है, प्रतिबंध जो लगे हुए हैं, तो वहां उन देशों से बड़े अच्छे संबंध है, चाहे वो ईरान हो या फिर नॉर्थ कोरिया हो या सीरिया हो, तो वही कोशिश कर रहा है कि एक तरह से नया फॉर्मेशन हो जो कि अमेरिकन जो सैंक्शन है उससे बचने के लिए और अमेरिकन जो पॉलिसी है उसको भी काउंटर करने के लिए, तो उसके साथ यही संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। और राजन जी, इन दिनों रूस में किसी विदेशी का कोई दौरा हो तो उससे वेस्ट और अमेरिका अप्रभावित नहीं रह पा रहा है, खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद। ऐसे में किम के मॉस्को विजिट का असर इन देशों पर क्या हो सकता है? बिल्कुल चिंता की बात है, क्योंकि एक तरह से कि अल्टरनेटिव जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो पहले क्या था आपने देखा कि शीत युद्ध के समय सोवियत यूनियन एक साइड में और जो अमेरिका और पश्चिम देश एक तरह में थे, तो अभी अगर मान लीजिए कि अभी उस ढंग की स्थिति नहीं है, क्योंकि चीन का लगभग $700 बिलियन के आसपास का ट्रेड होता है अमेरिका के साथ,
और चीन का उतना ही ट्रेड है यूरोपियन कंट्री के साथ। तो वैसे में चीन केयरफुल है, पूरी तरह से रशिया के साथ नहीं जा सकता है क्योंकि उसके अपने आर्थिक इंटरेस्ट है वहां पे जुड़े हुए। लेकिन जो अभी चिंता के विषय तो है क्योंकि नॉर्थ कोरिया पे पश्चिमी देश सैंक्शन लगा दिए थे, तो नॉर्थ कोरिया में बहुत सारी दिक्कतें थी। लेकिन अब अगर रूस वहां पे सारी चीजें सप्लाई करना शुरू करता है और वेपन एक दूसरे शुरू करता है, तो चिंता का विषय जापान के लिए भी होता है वहां पे और अमेरिका के लिए भी होता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास मिसाइल भी है और कुछ लोगों का मानना है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर रूस मदद करना शुरू कर दे कि उनको न्यूक्लियर सबमरीन दे दे या जो न्यूक्लियर दूसरे जो टेक्नोलॉजी है वो अगर दे दे, तो ये जापान के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी हो सकती है और वहां पे एक युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। तो ये पश्चिमी देशों के लिए बहुत ही परेशानी की बात है। अभी जो जिस ढंग का चीन का तो ताइवान में ऑलरेडी चल रहा है, और वैसे में अगर नॉर्थ कोरिया भी अगर चीन के जाए तो फिर जापान और ताइवान दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजन कुमार। और अब चलते हैं हमारे खास सेगमेंट आज के अखबार की तरफ और जानते हैं कि आज सुबह देश दुनिया की अखबारों की सुर्खियां क्या हैं। मेरे साथ शुभम तिवारी हैं जिन्होंने सभी खास अखबारों को खंगाला है। गुड मॉर्निंग शुभम, चलिए पहले देश के अखबारों की खबर लेते हैं। गुड मॉर्निंग खुशबू। G20 के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट और भारत लिखने पर विवाद, इंडिया और भारत पर महाभारत, हिंदुस्तान अखबार की यह हेडलाइन है। जनसत्ता ने लिखा है कि G20 की रात्रि भोज से जुड़ा हुआ मामला है और निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने से विवाद खड़ा हो गया है। सत्ता और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप से इतर द हिंदू की एक रिपोर्ट है और लीगल एक्सपर्ट्स के हवाले से, जिसमें ये कहा गया है कि इंडिया और भारत दोनों का इस्तेमाल ऑफिशियल इन्विटेशन के लिए किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि भारत सरकार किसी एक नाम को कहने के लिए दबाव नहीं बना सकती है, इंडिया और भारत दोनों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह पर किया जा सकता है। वहीं जनसत्ता अखबार में इस खबर के ठीक बगल में खबर कि 262 हस्तियों ने उदयनिधि स्टालिन पर कार्रवाई की मांग की है। सनातन धर्म पर जो उन्होंने टिप्पणी की, इसको लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखा गया है और इसमें रिटायर्ड जज हैं, उनके अलावा कई अधिकारी रिटायर्ड भी हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इस मामले में इंटरवीन करने की मांग की है। वहीं भारत में इस साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का जो ऐलान किया गया है उसकी भी खबर में द एशियन एज अखबार में देख रहा हूँ। 15 सदस्यीय टीम में शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, शार्दुल ठाकुर, सिराज जैसे 6 खिलाड़ी पहली बार इस वर्ल्ड कप में खेलेंगे। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच वर्ल्ड कप के मुकाबले होंगे। 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का पहला मैच है। शुभम, मैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ रही हूँ। G20 समिट होना है 9 से 10 सितंबर के बीच। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आएंगे बल्कि उनकी जगह पर प्रधानमंत्री ली कियांग जो हैं वो आएंगे। और इस बीच चीन और भारत में G20 के साझा बयान को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। समिट की वजह यह है कि चीन इसमें वन बेल्ट वन रोड कॉन्सेप्ट को शामिल करना चाहता है, जबकि भारत जो है वो वसुदेव कुटुंबकम को शामिल करना चाहता है। तो बीजिंग ने ये कहा है कि भारत की जो थीम है एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, वास्तव में चीन के वन बेल्ट वन रोड से ही प्रेरित है, जिसे अक्सर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के रूप में हम जानते हैं। तो चीन का तर्क है कि ये विज्ञप्ति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन भारत जो है वो चीन के इस तर्क से सहमत नहीं है। भारत की थीम पर चीन ने आपत्ति जताई है, कहा है कि वसुदेव कुटुंबकम का जो अर्थ है वो दुनिया एक परिवार होता है, लेकिन जो भारत की थीम है एक पृथ्वी एक परिवार वो उस अर्थ को तो दर्शाता है, लेकिन भारत की थीम में एक और जो चीज़ जुड़ी है एक भविष्य है वो वसुदेव कुटुंबकम का हिस्सा नहीं है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि इसको शामिल ना किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की अगर मैं बात करूं तो द गार्डियन के हवाले से खबर, प्राउड बॉयज करके जो चरमपंथी संगठन है इसके पूर्व नेता एनरिक टारियो को 22 साल जेल में रहने की सजा सुनाई गई है। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के हारने के बाद अमेरिकी कैपिटल यानी कि वहां की जो संसद परिसर पर हमला हुआ, बताया जाता है कि उस साजिश में एनरिक टारियो की बड़ी भूमिका रही। उनके 3 साथियों को पिछले हफ्ते ही 15 से 18 साल तक के जेल की सजा सुनाई जा चुकी है और अब उन्हें 22 साल जेल में गुजारना होगा। अब BBC की एक रिपोर्ट है, दरअसल अमेरिका में BBC के पार्टनर न्यूज चैनल CBS को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन
इस महीने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने रूस के दौरे पर जाने वाले हैं। इस खबर पर आज के दिन वाले हिस्से में हमने बातचीत भी की है और कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात में उत्तर कोरिया रूस को हथियारों की सप्लाई पर सहमत हो सकता है और ये हथियार यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने की आशंका है। व्हाइट हाउस की इस बदलते हुए घटनाक्रम के बीच प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने नॉर्थ कोरिया को चेताया है कि अगर वे किसी भी तरह के हथियार सौदे के लिए रूस के साथ सहमत हुए तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। एक और खबर, रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है कि म्यांमार में सेना की हिरासत में जो वहां की पूर्व नेता आंग सान सू की रह रही हैं वो बीमार हैं और जब सू की ने अपनी सेहत के मद्देनजर एक बाहरी फिजिशियन को बुलाने का आग्रह किया तो देश की जो मिलिट्री लीडरशिप है उन्होंने इस मांग को खारिज कर दिया है। उधर म्यांमार को 2026 के आसियान के नेतृत्व की इजाजत नहीं मिली है। फिलीपींस इस समूह का नेतृत्व करेगा और म्यांमार में हिंसक तरीके से सत्ता पर कब्जा करने वाले सैन्य शासन के लिए ये बड़ा झटका है। वहीं जुलाई की शुरुआत में यूक्रेन में लड़ रहे रूसी सैनिकों के किए गए 17 फोन कॉल्स को यूक्रेन के खुफिया विभाग ने इंटरसेप्ट किया है और उन फोन कॉल्स में रूस के सैनिक खराब क्वालिटी के इक्विपमेंट और भारी नुकसान के बारे में शिकायत करते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर खबरें हैं जो कि इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स और मीडिया आउटलेट्स में देखी पड़ी जा रही हैं। शुक्रिया शुभम। और अब चलते हैं इतिहास की गली में और देखते हैं कि आज यानी 6 सितंबर को देश दुनिया में क्या क्या हुआ था। तो आज ही के दिन 1965 में इंडियन आर्मी ने सरहद पार कर पाकिस्तान के लाहौर और सियालकोट पर हमला किया था। भारत ने हमला पाकिस्तान की ओर से 1 सितंबर को लॉन्च किए गए ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के जवाब में किया। और सुप्रीम कोर्ट ने आज ही के दिन 2018 में समलैंगिक रिश्तों को मंजूरी दी थी, उसने 1861 के इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 377 को रद्द किया था। समंदर के रास्ते पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने वाला पहला जहाज विक्टोरिया आज ही के दिन स्पेन लौटा था। 1972 में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दिग्गज उस्ताद अलाउद्दीन खान का इंतकाल हुआ था। तो इसी जानकारी के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आज का दिन पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है रोहित ने, साउंड मिक्सिंग है नितिन रावत की, मैं हूँ खुशबू कुमार और आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। एशिया कप में किसके बजेंगे 12 और किसकी होगी पावर, बताएंगे 12 बजे सिर्फ आज तक रेडियो पर आपके अपने फेवरेट क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल में मेरे यानी कुमार केशव और मोहम्मद इकबाल के साथ बल्ला बोल।